जब मैं विलन बनता हूं ना, आई विल गेट देम। इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जवान का मुकाबला किसी और बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि शाहरुख खान की ही पिछली फिल्म पठान के साथ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले ऐसी खतरनाक कमाई सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म पठान ने की थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान की ही दो फिल्में जवान और पठान के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे शुरुआती 5 दिनों में जवान और पठान में से किस फिल्म का कलेक्शन ज्यादा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि जवान और पठान में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। दोस्तों, 2023 की शुरुआत में 25 जनवरी को सिनेमाघरों में शाहरुख खान की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान रिलीज हुई थी, जो कि एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनके ब्लॉकबस्टर जोड़ीदार दीपिका पादुकोण देखने को मिली थी। साथ ही साथ इस फिल्म में दमदार विलन का कैरेक्टर जॉन अब्राहम ने प्ले किया था। बताना चाहूंगा दोस्तों, शाहरुख खान के करियर की पठान एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म तो बनी थी, साथ ही साथ ये उनके लिए एक कमबैक फिल्म भी साबित हुई थी, क्योंकि पठान से ही शाहरुख खान ने पूरे 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की थी। और दोस्तों, पठान फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रचा जिसे तोड़ने का काम अब तक बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, पूरे 8 महीने बाद शाहरुख खान की ही दूसरी फिल्म जवान इस हफ्ते रिलीज हुई, जिस फिल्म को भी हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में रिलीज किया था। अब आपको बता दें दोस्तों, यहां पर जवान फिल्म के डायरेक्टर तमिल सिनेमा के डायरेक्टर अटली कुमार थे, वही इस फिल्म में उनके साथ पहली बार नयनतारा देखने को मिली थी, और इस फिल्म में पावरफुल विलन का किरदार विजय सेतुपति ने प्ले किया था। दोस्तों, जब पठान सक्सेस हुई थी तो सभी की उम्मीदें जवान से बढ़ चुकी थी कि शाहरुख खान एक बार फिर से जवान रिलीज करते ही बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छा जाएंगे। और दोस्तों, जैसा सबने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म जवान जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किए। हालांकि दोस्तों, यहां पर कंपेयर करें जवान और पठान के 5 दिनों के कलेक्शन को, तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। दोस्तों, पठान ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में 106 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि जवान ने पहले दिन 129 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। यानी कि दोस्तों, पहले दिन जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। वही बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो पठान ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 113 करोड़ रुपए का किया था, तो जवान का दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 114 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा था। यानी कि जवान ने दूसरे दिन भी पठान से ज्यादा कमाई की। वही दोस्तों, तीसरे दिन पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 93 करोड़ का रहा था, तो जवान ने अपने तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 144 करोड़ का किया। यानी कि दोस्तों, फिर से एक बार जवान का कलेक्शन पठान से तीसरे दिन भी ज्यादा रहा। वही दोस्तों, पठान फिल्म ने अपने चौथे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 114 करोड़ का किया था, तो जवान का चौथे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 152 करोड़ रुपए रहा। यानी कि दोस्तों, चौथे दिन फिर से जवान का कलेक्शन पठान से ज्यादा रहा। हालांकि बात करें पांचवें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों पांचवें दिन यहां पर पठान आगे रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पठान ने पांचवें दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 116 करोड़ का किया, तो जवान अपने पांचवें दिन लगभग 50 करोड़ रुपए कमा रही है। पर दोस्तों, आपको एक बात क्लियर बता दूं कि पठान के पांचवें दिन हॉलीडे था, जबकि जवान के पांचवें दिन मंडे है, तो यहां पर पांचवें दिन के कलेक्शन जवान के पठान से कम रहे। हालांकि बात करें कि 5 दिनों में दोनों ही फिल्मों के टोटल कलेक्शन कितने होते हैं, तो दोस्तों शुरुआती 5 दिनों के अंदर पठान का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 542 करोड़ का रहा था, वही जवान का 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 590 करोड़ का हो रहा है। यानी कि दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी ही फिल्म पठान के 5 दिनों के कलेक्शन के मुकाबले जवान के 5 दिनों के कलेक्शन ज्यादा दे चुके हैं। तो दोस्तों, शाहरुख खान
खान ने अपनी ही फिल्म पठान का रिकॉर्ड जवान से शुरुआती 5 दिनों में तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 1050 करोड़ का था, तो अब देखते हैं कि जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहां तक जाता है। वैसे दोस्तों पठान और जवान में आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।